बच्चे भूखे हैं, वो खुद भी हमने वो 9000 रुपया जो अर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देरी मैंने बच्चे भूखे हैं, वो खुद भी हमने वो 9000 रुपया जो अर्जी पीएचएमपाई यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। देखें जो हमारा इस वक्त का ये प्रोटेस्ट है, ये हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में जितनी डिवीजनें हैं हर डिवीजन में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि जो ही यहाँ यूटी बनेंगे और एज पर लॉ बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे जैसे दिल्ली यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, उसी तरीके से यहाँ भी यहाँ के जितने डेली वेजर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं सब पे यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर दिल्ली यूटी लागू हो जाएगा। वो भी आज तक नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि जो हमारी मेन डिमांडें हैं वो शुरू कीजिए, कम से कम हमारी रेगुलाइजेशन शुरू कीजिए, यहाँ कम से कम ये राहत दीजिए डेली वेजरों को, जो डेली वेजर बेचारे सड़कों पे चक्कर आने से गिर जाते हैं। मोहम्मद सलीम वानी, जो हमने आज प्रोटेस्ट किया ये बीजेपी के ऑफिस का घेराव था, क्योंकि हमने यहाँ पर वोट किया है अपने MP जितेंद्र सिंह साहब को। हम उसको जगाने के लिए उसके ऑफिस में गए थे कि जो हमने वोट किया है उसका जो हिसाब किताब है वो उससे लेने के लिए गए थे, क्योंकि वो जो जम्मू में या दिल्ली में बैठ के वो ऐलान करता है कि ये PHE के मुलाजिम या जितने भी 60,000 मुलाजिम जो डेली वेजर यहाँ पर है, ये बैकडोर एंट्री है। ये बैकडोर एंट्री नहीं है, वो बैकडोर एंट्री है, क्योंकि वो पैसे देकर इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं। हम पैसे देकर मुलाजिम नहीं लगे हैं, हम यहाँ पर जनता की सेवा करते हैं और पानी चलाते हैं।